हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंद्रशील यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एजन। आपको इसमें टाइप करना है इंद्रशील यूनिवर्सिटी 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ से आपको इंद्रशील यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया जो एप्लीकेशन फॉर्म है 27 मार्च से स्टार्ट हो चुका था अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। एंड देन यहाँ पे गुजरात में दिया गया है, लोकेटेड है गुजरात में एंड इसका एक्ट 2009 में दिया गया है। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, क्लिक हियर पे आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर देन आपके फ़ोन में एक OTP आएगा। आप उस OTP को टाइप करेंगे देन यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, सिटी, फिर सेलेक्ट प्रोग्राम, सेलेक्ट कोर्स एंड देन यहाँ पे सेलेक्ट स्पेशलाइजेशन। आप सेलेक्ट करके आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है, जो टेक्स्ट दिया गया आपको उसको टाइप करना है एंड देन आपको अप्लाई नाउ में क्लिक करना है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। देन आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना जो है 10th एंड 12th का परसेंटेज बताना होता है, कौन सी ईयर में आपने कम्प्लीट किया था 10th एंड 12th आपको बताना है, कौन से स्टेट से, कौन से यूनिवर्सिटी से एंड देन आपको जो है आपको अपना एड्रेस बताना होता है, जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर कंफर्म, सॉरी आप हाँ पिन कोड एंड देन आपको जो है आपको अपना 10th एंड 12th का मार्कशीट देना होता है, फ़ोटो देना होता है JPG या PNG फॉर्म में एंड देन सिग्नेचर करना होता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।